भाई साहब एक दो जन कमेंट कर रहे थे कि आखिर ये साला गियर बॉक्स कैसे काम करता है और वर्लपूल का तो खतरनाक ही होता है। भाई साहब मानो ना मानो, इसका गियर असेंबली जो कैसे काम करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये तो पल्ले नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप घबराइए मत, हम लेके आए हुए हैं ऐसा सल्यूशन कि आपको सारे मतलब प्रोग्राम के बारे में बता देंगे कि किस तरीके से हमारा गियर असेंबली जो है वो काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्पिन मोड पर मशीन को रखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है। और अब चलते हैं हम पीछे की साइड में। पीछे की साइड में जैसे ही हम पीछे देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत सारा वायरिंग दिखेगा और यहाँ पे कुछ कनेक्ट हुए मोटर कैपेसिटर ये सब दिखेंगे। यहाँ पे जो है मोटर लगा है, इसको हम ड्रेन मोटर बोलते हैं, ये कभी कभी काला मोटर भी होता है। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होता है और ये हमारा ड्रेन असेंबली है और ये हमारा क्लच असेंबली है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ ही गया है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो यहाँ पे मोटर है और ये हमारा बेल्ट है जिसके सहारे से हमारा गियर बॉक्स का पुल्ली कनेक्ट है और ये हमारा गियर असेंबली है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जान ही लिए कि ये सब चीज़ क्या है। अब चलिए बताते हैं ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले बता दूँ आपको कि अगर जो आप सबसे पहले आप स्पिन मोड पे हम चालू करते हैं, पहले चालू करके आपको बताएंगे, लाइव बताएंगे जो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वायर लगा लेते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम स्टार्ट किए, अब यहाँ पे हम स्पिन मोड पे लाते हैं क्योंकि स्पिन मोड पे ज़्यादातर हम मशीनों को चेक कर सकते हैं कि हमारे मशीन में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो जैसे ही हम स्पिन मोड पे डालेंगे ये हमारा ड्रेन मोटर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लच असेंबली को पूरा बल लगा के खींचेगा और यहाँ पे हमारा ड्रेन असेंबली में से जो कनेक्टिंग होता है पाइप के थ्रू ड्रेन रबर, वो ड्रेन रबर सिकुड़ जाएगा जिसकी वजह से ड्रम का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी खींचना जो है ये स्टार्ट कर दिया है, अभी ये अपने पास पूरा वाइट वाले असेंबली को ला दिया है, बराबर। अब यहाँ तक तो आपने क्लियर हो गया। अब ये हमारा क्लच असेंबली जो है अब पूरा है ड्रेन मोटर के कंट्रोल में। अब यहाँ पे हमारा जो है मतलब पूरा मशीन जो है स्पिन पोजीशन पे खूब धूम मचा के चल रही है, देख रहे हैं आप किस तरीके से। और जैसे हम इसको बंद करेंगे हमारा गियर असेंबली का जो ये रॉड होता है, गियर असेंबली का रॉड, वैसे तो ये प्लास्टिक का होता है बट रॉड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अभी जैसे ही हम बंद करेंगे ये हमारा वॉश पोजीशन में आ जाता है। अब जैसे ही वॉश पोजीशन में आएगा, जब तक ये ड्रेन मोटर इसको खींचेगा नहीं, ये हमारे गियर क्लच असेंबली को खींचेगा नहीं, जब तक हमारा ये मतलब गियर बॉक्स है वो वॉश पोजीशन पे ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ गया। अगर जो आपका ये ड्रेन मोटर नहीं चल रहा है तो आप खाली वॉश कर सकते हैं, स्पिन नहीं कर सकते और पानी भी नहीं निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक बार वापस भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम चालू करेंगे हमारा क्लच असेंबली जो है वो आगे की तरफ रहेगा, जैसे ही हम बंद करेंगे वैसे ये पीछे की साइड आ जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बता दूँ, ये हमको इसको हम बोलते हैं इनलेट मोटर, जो कि पानी को अंदर डालता है भाइयों। अब ये पानी अंदर डालने का काम करता है। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे ये अपना कार्य शुरू कर देगा। अगर जो इसके अंदर आप पानी को कनेक्ट करते हैं मतलब पाइप को, तो यहाँ से पानी जो है अंदर डालना शुरू कर देगा। अब जैसे ही अंदर डालेगा यहाँ पे हमारा जो है ये ड्रम जो है ये भरने लगेगा, यहाँ से पानी जाएगा तो ये जो है पूरा ड्रम भरने लगेगा और यहाँ से प्रेशर बनेगा, ये जो पतली पाइप दिख रही है आपको, यहाँ से प्रेशर बन के जाएगा प्रेशर सेंसर के पास और प्रेशर सेंसर जो है सिग्नल देगा पीसीबी को। अब पीसीबी को बोलेगा भैया अब तो चालू हो जा, हमारा जितना लेवल था पानी का उतना तो भर चुके हैं, तो ये इनलेट वॉल बंद हो जाएगा। अब जैसे ही इनलेट वॉल बंद होगा, और हम चलिए इसको निकाल के भी आपको बता देते हैं, ये देखिए ये एक होल की तरह है, इसमें कुछ नहीं आता है। और जैसे ही इनलेट वॉल बंद होगा और ये हमारा वॉश मोटर जो वो चालू हो जाएगा। अभी तो चालू नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है जिससे हम आपको टेस्ट करके बता सकते हैं, पूरा प्रक्रिया बताएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस चीज़ में। और आप जहाँ तक उम्मीद है अगर जो बिगनर हैं और सीख रहे हैं तो बड़े मज़ेदार वीडियो हम डालते हैं भैया इस चैनल पे, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और
बेल आइकन का घंटी घंटा जो भी है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। तो हम पाइप को कनेक्ट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाइप को बिना कनेक्ट किए अगर जो आप मशीन चालू करेंगे तो आपका मशीन कभी चालू होगा ही नहीं, खाली पानी भरता रहेगा और यहाँ से निकलता रहेगा। तो यहाँ तक देखिए, अगर जो आपको इसका पार्ट टू चाहिए कि हमको खोल कर पूरा समझाइए, तो आप हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।